Assalamu alaikum student, today we will discuss about the data science. It is the more important field of computer sciences and it has major applications in all the practical fields such as engineering, medical sciences, computer sciences, natural sciences and in other areas. Data science, it combines multiple fields, different techniques, different algorithms and different data analysis tool to collect or extract valuable information from the given data, and that is very useful for business point of view. That is very useful if we want to excel our institution, whether it is a business organization or an educational organization or any type of institutions. Now we will come to the definition and its purpose. It combines multiple fields including statistics, scientific methods and data analysis tool to gain value, important value from data. For example, data collected from the web, smartphone customers, sensor and other sources. Question is, who are data scientists? Those who practice data sciences are called data scientists, and this is used for decision making for any organizations. What is the purpose of data science? The purpose of data science is to apply advanced analytical techniques and scientific methods to extract the valuable information from the given data. We can say that data science is the field of applying advanced analytical techniques and scientific principles to extract valuable information from data for business decision making, strategic planning and others, etc. Okay. Therefore, different companies employ data scientists to increase the products of their institutions. Companies क्या करती हैं कि data scientists को hire करती हैं और वो companies के data उसके ऊपर काम करते हैं और they apply different type of data techniques. They use different data tools to get the data from the company. वो company का data लेते हैं, उस data को वो refine करते हैं, उस data की base पे वो decision लेते हैं और उसका result क्या होता है, ultimate उसका goal क्या होता है कि companies जो हैं वो अपनी deficiencies को cover करती हैं, अपनी डेफिशिएंसीज को रिमूव करती हैं और जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो एक्सेल करती है या जो मार्केट में जो दूसरी प्रोडक्ट है उसका वो कंपीट करती है. सो डाटा साइंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, कि किसी भी कंपनी के लिए डाटा बहुत इंपॉर्टेंस का हमल होता है. एंड टुडे वी आर सीइंग दैट द मेजर इशू इन दीज डेज आर दैट दी फेसबुक इज यूजिंग द व्हाट्सएप कस्टमर डाटा फॉर इट्स बिजनेस पर्पज. तो ये डाटा ही होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो डाटा ही ये बताता है कि फ्यूचर ट्रेंड क्या है और कस्टमर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं और जिस चीज़ के ऊपर कस्टमर का ट्रेंड है उस मुताबिक अगर प्रोडक्ट्स तैयार की जाएँ तो प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो एक्सेल कर जाती है. सो डिफरेंट टाइप्स के डाटा टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट्स में जो यूज़ होते हैं और हर डाटा टूल्स की अपनी एक फंक्शनैलिटी है और अपनी एक फील्ड है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक डाटा टूल तमाम उसमें फील्ड में यूज हो. ईच डाटा टूल हैज़ डिफरेंट इम्पैक्ट एंड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड डिफरेंट वर्थ इन डिफरेंट फील्ड. हर डाटा टूल अपनी अपनी फील्ड में उसकी वर्थ है. तो डाटा साइंस टूल क्या है? डाटा साइंस रिक्वायर अ वास्ट एरे ऑफ टूल्स. दीज टूल्स आर यूज फॉर एनालाइजिंग डाटा, इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन फॉर कस्टमर. कस्टमर के लिए इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन होती है जो कि उस कंपनी की रिगार्डिंग एड्स हो सकती हैं, उस कंपनी की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, उस कंपनी की जो सर्विसेज हो सकती हैं तो उसके रिगार्डिंग इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन है. फॉर एग्जांपल एनी डिवाइस है तो उस डिवाइस की फंक्शनैलिटी हो सकती है उसकी विजुअलाइजेशन. एंड क्रिएटिंग पावरफुल प्रिडिक्टिव मॉडल्स यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. तो ये डाटा साइंसेस टूल जितने भी हैं उनमें ये सब चीज़ें ऐड होती हैं कि वो डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसकी विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं और प्रेडिक्टिव मॉडल्स में होते हैं जो कि डाटा एनालिस्ट को, डाटा साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि वो कंपनी के प्रेडिक्शन या फ्यूचर्स या फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में या फ्यूचर गोल्स के बारे में जो है ना वो एक क्लियर डायमेंशन सेट कर सकें. तो वी विल डिस्कस सम ऑफ द डाटा टूल्स. फर्स्ट है SAS सॉफ्टवेयर, सेकेंड मैटलैब, थर्ड एक्सेल, फोर्थ टेबल्यू, फाइव
Fifth, BigML. These are the data science tools, and I will briefly describe one by one. First is the SAS software. This software, it is an important data science tool designed for statistical operation. ये ऐसा data जिसमें मुख्तलिफ graphs और charts data used for statistical operations, and it are many companies are use these SAS softwares for the analysis of their valuable data. Second is BigML. It provides a fully interactable cloud-based GUI environment. जो इसकी जो main feature है वो cloud-based GUI environment है that we can use for machine learning algorithms. And second, it provides a standardized software using cloud computer for industry requirements. And third thing is it allow interactive visualization of data. जहाँ पे interactive visualization of data आता है वहाँ पे we can use different charts, we can apply different algorithm, we can display different simulation tools to display the valuable data with the ability to export visual charts on mobile or internet of thing devices. यानी अब इसका जो data है वो क्योंकि cloud computing के ऊपर काम करता है BigML का, सो उस जो जो डाटा विजुअलाइजेशन है वो मोबाइल के ऊपर भी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के ऊपर भी हम उस डाटा को उसको शो कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सिमुलेशन टूल्स, बाय यूजिंग डिफरेंट इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस. ठीक है, टू गेट मोर और कस्टमर्स फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और टू एक्सप्लोर मोर अवर प्रोडक्ट और सर्विसेस. एंड थर्ड थिंग इज द MATLAB. It is also a multi-base data science tool. It is a numerical computing environment for processing mathematical informations. And in data science, MATLAB is used for simulating neural networks and fuzzy logic. And MATLAB kya? MATLAB universities may be MATLAB's priority. MATLAB's mein it contains the graphic library, and we can create powerful visualizations. And the major area is the digital इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में MATLAB's बहुत ज़्यादा यूज होती है. और इमेज प्रोसेसिंग वी कैन सी डैट इट इज़ द वास्ट फील्ड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू और इन द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो भी इमेज रिलेटेड काम हो रहा है जिसमें इमेज प्रोसेसिंग आ रही है, जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग आ रही है, ठीक है, आर द मैथमेटिकल फार्मूलाज, आर द न्यूमेरिकल फार्मूलाज फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशंस that's are used in digital image processings, that we can display them by using MATLAB. कि हम एक image को MATLAB के थ्रू में एक उसमें equation में convert कर सकते हैं, and we can use it for multiple purpose. तो MATLAB की अपनी graphics library है और इसमें एक powerful visualization होती है जो कि image signal processing के लिए use हो रही है. और digital image processing जो है वो एक vast field है जो कि defense point of view से भी use हो रही है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज हो रही हो. एंड इन एवरी फील्ड इट हैज इट्स इम्पैक्ट. फोर्थ जी एमएस एक्सेल. एक्सेल बहुत से स्टूडेंट्स ने और बहुत से पर्सन ने एक्सेल को यूज भी किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. और बट यू डोंट नो दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा साइंस टूल. एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट डाटा साइंस टूल. फर्स्ट, इट इज मोस्ट वाइडली यूज टूल डाटा साइंस टूल. इट प्रोवाइड्स इंटरएक्टिव जीयूआई एनवायरमेंट. And Microsoft develop Excel mostly for spreadsheet calculation. Generally, हम spreadsheet calculation से काम शुरू होता है, but now it is used for data processing, visualization and complex calculations. We can create our own complex functions and formulas in MS Excel, and it involves different graphic charts, pie charts, bar charts, different tables, and we can embed different database object in MS Excel to represent the company or the organization of data in an efficient way for taking future for taking decision regarding the current data. कि हम किसी भी company की organization के data को Excel में अच्छे तरीके से represent कर सकते हैं. उसमें we can use visualization effect, we can use different charts, we can embed database object, data को import करा के भी, file को import करके भी हम Excel में उसको represent कर सकते हैं. ठीक है, और वी कैन क्रिएट अवर ओन फंक्शन इन एम एस एक्सेल. और डाटा ये कॉमन सेंस की बात है कि डाटा जो यूज होता है वो डिसीजन पर्पस के लिए यूज होता है, फर्दर कि अब नेक्स्ट
what steps should be taken by the company organizations to develop and enhance their company performance and capabilities. And fifth is the Tableau. It is a data visualization software packed with powerful graphics to make interactive visualization. अब interactive visualizations के लिए ये Tableau software use होता है. Its ability to interface with databases, spreadsheet, OLAP, OLAP means online analytical processing, etc. Similarly, it has the ability to visualize geographical data and for plotting longitude and latitude in maps. अब ये इसका important factor है कि ये जो use हो रहा है Tableau software, ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाटा, ज्योग्राफिकल डाटा मीन्स कि जो आपके रीजन्स को कवर करता है, जिसमें आपके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड और जो मैप्स से रिलेटेड जितना भी जो विजुलाइजेशंस है वो उसको ये सॉफ्टवेयर जो है वो डील करता है. देयरफॉर इट इज अ पावरफुल ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज फॉर इंटरक्टिव विजुलाइजेशन ऑफ द डाटा रिगार्डिंग मैप्स, रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल डाटा. सो वी कैन से दैट इट इज the most important data science tool. So at the last review, I briefly said that data science is, it is the most important branch and most important area, practical area of the computer sciences, and it has its future impact in different areas, in different technologies, and there are different data technique tools. YouTube is also a data science tool. Similarly, Google Forms, we can also use Google Forms as data science tool for a small level, for a small scale. एक small scale level पर जिसमें हम quiz create करते हैं, वहाँ पे we can use Google Form as a data science tools. There are different types of data science tools and that are used for different purposes. For education purpose, for industrial purpose, for business purpose. And student must learn, or viewer must learn these tool according to their job requirements. So any queries or any questions regarding this topic, you may ask me, and you must subscribe my channel so that you can see and watch the videos updated and uploaded on daily basis. Thank you. Allah Hafiz.